हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि हाइड्रोटेस्ट यानी कि होता क्या है, इसका मेन पर्पोज क्या होता है, हाइड्रोटेस्ट करते वक्त हमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, हाइड्रोटेस्ट करने की क्या मेथड होती है, क्या प्रोसीजर होती है, हाइड्रोटेस्ट करते वक्त हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोटेस्ट होता क्या है। हाइड्रोटेस्ट एक ऐसी टेस्ट है कि जिसको कैरीड आउट करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो वाटर है वो उस पाइप में, वेसल में या फिर टैंक में भरा जाता है कि जहाँ पर भी आपको हाइड्रोटेस्ट करना हो। फिर उस वाटर में प्रेशर दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ हैंड हो या फिर इंजन पंप के ज़रिए, और फिर जब ये सर्टन प्रेशर तक पहुँच जाता है फिर उस सिस्टम को होल्ड में रखा जाता है कुछ देर के लिए, और फिर उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें कोई लीकेज है क्या, उसमें कोई फेलर है क्या, वो उसमें देखा जाता है। उसके बाद उसका जो रिक्वायर प्रेशर है वहाँ तक पहुँचने के बाद अगर मान लो उसमें कोई चेंजेस अगर आते हैं, यानी कि उस प्रेशर में अगर फॉल डाउन हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस पूरी सिस्टम को हाइड्रोटेस्ट कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस हाइड्रोटेस्ट का पर्पज़ क्या होता है। सबसे पहला कि इस हाइड्रोटेस्ट से हमें पता चल जाता है कि उसमें कुछ लीकेज है क्या, यानी कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई लीक्स है क्या। सेकंड पॉइंट है कि जो भी वेल्डेड जॉइंट्स है उसकी स्ट्रेंथ हमें इससे पता चलती है, वो हम चेक कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि जो भी सिस्टम है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो भी हम इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कि हाइड्रोटेस्ट करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहला है पावर सोर्स, यानी कि हाइड्रोटेस्ट करने के लिए हमें पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है प्रेशर पंप, और ख़ास तौर से ये जो एक्सटर्नल पंप होता है इसको चलाने के लिए ही हमें पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है लिक्विड यानी कि वाटर, यानी कि जहाँ पर आप हाइड्रोटेस्ट कर रहे हो, तो अगर हाइड्रोटेस्ट अगर आपको ज़्यादा एरिया में अगर करना है तो वहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगने वाली है। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि उतना जो वाटर का स्टॉक जो है वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स होती है प्रेशर गेज की। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्रेशर गेज आपके पास है तो वो हमेशा जो है कैलिब्रेटेड होना चाहिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के द्वारा। फिर उसके बाद है कि आपको एक प्रेशर गेज से काम नहीं चलाना है, बल्कि आपके पास मिनिमम दो प्रेशर गेज होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि ये जो प्रेशर गेज है इसने रीडिंग शो करना चाहिए मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ हाइड्रोटेस्ट प्रेशर से, और मैक्सिमम जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपको हाइड्रोटेस्ट प्रेशर जो अगर चेक करना है वो अगर 10 मेगा पास्कल है, तो उसने मिनिमम जो रीडिंग शो करना चाहिए वो होना चाहिए 15 मेगा पास्कल, और मैक्सिमम शो करना चाहिए 40 मेगा पास्कल। फिर उसके बाद है कि आइसोलेशन वॉल भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप हाइड्रोटेस्ट कर रहे हो वो अगर एक कंप्लीट सिस्टम है, और वहाँ पर अगर आपको आधे सिस्टम में ही हाइड्रोटेस्ट करना है तो उस आधे सिस्टम को आपको वो जो कंप्लीट सिस्टम है उससे आइसोलेट करना होगा। तो उसके लिए आपको आइसोलेशन वॉल की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है कि वाटर जब आप फिल करते हो तो वहाँ पर कोई भी एयर नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर एयर को बाहर निकालने के लिए आपको एयर वेंट जो है वो प्रोवाइड करना होता है। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी पर्पोज के लिए आपको वहां पर PRV लगाना होता है, यानी कि प्रेशर रिलीफ वॉल लगाना होता है। और फिर उसके बाद है कि हाइड्रोटेस्ट के लिए जो वाटर है उसको फिल करने के लिए और आउट करने के लिए ड्रेन पॉइंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है हाइड्रोटेस्ट करने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि हाइड्रोटेस्ट करने की क्या बेसिक मेथड है या फिर प्रोसीजर है उसके बारे में। तो सबसे पहले जिस इक्विपमेंट का आपको हाइड्रोटेस्ट करना है तो उस इक्विपमेंट में आपको वाटर जो है वो भरना है। तो ये आप वाटर कैसे भर सकते हो, तो वाटर फिलअप करने के लिए आपको वहाँ पर ड्रेन पॉइंट बनाने होते हैं, उस ड्रेन पॉइंट के जरिए आप वाटर फिलअप कर सकते हो। फिर उसके बाद उस इक्विपमेंट में कोई भी एयर बबल्स नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस इक्विपमेंट में वेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो ओपन कंडीशन में होते हैं। फिर उसके बाद वाटर जब हम उस इक्विपमेंट में पूरी तरीके से भर लेते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोटेस्ट पंप के जरिए जो है ये जो वाटर है इसको हम धीरे धीरे प्रेशर दे के बढ़ाते हैं, और वो हमें तब तक बढ़ाना है कि जब तक उसका जो डिज़ाइन प्रेशर है उसके 1.5 टाइम्स तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप हाइड्रोटेस्ट पंप के जरिए जो भी प्रेशर बढ़ा रहे हो वो आपको सडनली बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे जो है वो प्रेशर बढ़ाना है।
जब आप ये जो प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो और जब वो आपके डिजायर प्रेशर तक पहुंच जाता है तो आपको वहां पर प्रेशर जो है वो स्टॉप कर देना है, यानी कि आपको वहां पर प्रेशर बढ़ाना नहीं है, वहीं पर ही आपको उस प्रेशर को होल्ड करके रखना है कुछ टाइम तक। और फिर कुछ घंटों के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद आपको उसमें चेक करना है कि उसमें कोई प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हुआ है या फिर उस इक्विपमेंट से कोई लीकेज तो नहीं हुआ है, या आपको चेक करना होता है। जब आप ये पूरा चेक कर लेते हो और देखते हो कि वहाँ पर कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ है या फिर इक्विपमेंट से कुछ भी लीकेज नहीं हुआ है, तो आप ये तय कर सकते हो कि आपने जो हाइड्रोटेस्ट की है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हुई है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोटेस्ट करने की प्रोसीजर होती है, ये एक बेसिक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि ये जो हाइड्रोटेस्ट है इसमें क्या हजार्ड आते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है कि जो प्रेशराइज लाइन है वो ब्रेक हो सकती है, या फिर वो जो लाइन है उसमें फेलर आ सकता है, गैस्केट फ्लिंजर्स या फिर गैजेस है उसमें भी फेलर आ सकता है या फिर ब्रेक हो सकते हैं, वो एक हजार्ड है। उसके बाद है कि जो भी पाइप है उसके अंदर अगर एयर इंट्रैपमेंट है तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है इंजन ऑपरेटेड पंप का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि जो भी प्रेशर गेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका अगर कैलिब्रेशन नहीं है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है पीएसवी फेलर यानी कि प्रेशर सेफ्टी वाल्व फेलर, वो भी एक हजार्ड है। अनऑथोराइज एंट्री, वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है कि जो भी पर्सन्स वहाँ पर हाइड्रोटेस्ट का काम कर रहे हैं उनके पास अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है यानी कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो भी एक हजार्ड है। लैक ऑफ सुपरविजन, वो भी एक हजार्ड है। इम्प्रॉपर बैरिगेशन एंड साइन बोर्ड, वो भी एक हजार्ड है। पाइप ब्लास्ट, वो भी एक हजार्ड है। प्रेशर एक्सीड, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो वो भी एक हजार्ड है। पुअर क्वालिटी ऑफ पाइप्स, वो भी एक हजार्ड है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हाइड्रोटेस्ट एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है PTW यानी कि परमिट टू वर्क, यानी कि जब भी आपको हाइड्रोटेस्ट का काम करना है तो उसके लिए आपके पास PTW होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी हाइड्रोटेस्ट हो रही है उस एरिया को आपको बैरिगेड करना है और साथ ही में आपको वार्निंग बोर्ड प्रोवाइड करने हैं ताकि अनऑथराइज पर्सन की एंट्री वहां पर आप रोक सको। सेकेंड पॉइंट है कि जो भी प्रेशर गेजेस है और प्रेशर सेफ्टी वाल है वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए। उसके बाद है कि जो भी फिटिंग्स है, प्रेशर गेजेस है, वेंट वॉल्स है, गैसकेट्स है, ये सभी जो है वो प्रॉपरली रेटेड होने चाहिए यानी कि उसके ऊपर रेटिंग लिखी होनी चाहिए और वो सभी सूटेबल होने चाहिए उस प्रेशर टेस्ट के लिए। उसके बाद है कि जो भी टेम्परेरी वेल्डिंग है वो परफॉर्म होनी चाहिए क्वालिफाइड वेल्डर की तरफ से और वो अप्रूव होने चाहिए क्लाइंट की तरफ से जो क्वालिटी डिपार्टमेंट से है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी प्रेशर आप उसमें दे रहे हो वो आपको धीरे धीरे वो जो प्रेशर है वो बढ़ाना है। उसके वजह से क्या होगा कि जो पाइप्स है उसके ऊपर जो भी लोड आने वाला है वो कंट्रोल में रहेगा और पाइप्स को समय मिलेगा वो लोड को स्ट्रेन करने के लिए, और उसके साथ ही जो भी पर्सन्स वहाँ पर है उनके पास भी समय मिलेगा कि वहाँ पर जो प्रेशर दिया हुआ है उसको वो अच्छे से चेक कर सके कि उसमें कोई लीकेज है क्या। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम आपके पास दो प्रेशर गेजेस होनी चाहिए। उसमें से पहला जो प्रेशर गेज है वो आपको लोवेस्ट पॉइंट पर रखना है और सेकंड जो प्रेशर गेज है वो आपको हाईएस्ट पॉइंट में रखना है इस सिस्टम में। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी हाइड्रो टेस्टिंग हो रही है वह हाइड्रो टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए जो भी पर्सन है उन्होंने वो जो ब्लाइंड फ्लेंजेस है उनकी तरफ डायरेक्शन करके खड़े नहीं रहना है, वहां पर स्टे नहीं होना है ताकि इन केस वो फ्लैंज में अगर रैप्चर आ जाता है तो उससे होने वाली जो भी पर्सनल इंजरी है उससे बचा जा सके। फिर उसके बाद है कि जो भी होसेस है, पाइपिंग है, गैसकेट्स है, कनेक्टर्स है, क्लैम्प्स है, वो सभी अच्छे कंडीशंस में होने चाहिए और उसके ऊपर एडिक्वेट रेटिंग होनी चाहिए ताकि उस हाइड्रो टेस्टिंग के वक्त वो जो प्रेशर है वो बेयर कर सके। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो भी होस कनेक्शन है उसके लिए आपको विप्लैश अरेस्टर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स है यानी कि जो ट्रेंड पर्सन्स है वही उस हाइड्रोटेस्ट वर्क लोकेशन में अलाउ किए जाए और वही वहां पर वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करे। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एक्सेस है उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोटेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो भी सुपरवाइजर है वो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए और ये जो वर्क एक्टिविटी है वो उसके सुपरविजन में होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी हाइड्रोटेस्ट जॉब है उसका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। जहाँ पर भी हाइड्रोटेस्ट हो रहा है उससे आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। हाइड्रोटेस्ट के वक्त आपके पास प्रॉपर पीपी होनी चाहिए और फिर उसके बाद वो जो एक्टिविटी है उसके लिए आपका क्लोज सुपरविजन होना चाहिए।
फिर उसके बाद है कि जो भी गेजेस है वो आपको इंस्टॉल करने हैं उस इक्विपमेंट से सेफ डिस्टेंस में, और वो जो गेजेस है वो इजीली विजिबल होने चाहिए ऑपरेटर को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा हाइड्रोटेस्ट सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि हाइड्रोटेस्ट क्या होता है, उसका मेन पर्पोज क्या होता है, उसके लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको करने की क्या प्रोसीजर होती है, हाइड्रोटेस्ट करते वक्त हमें कौन से हजार का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।